हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए आपके स्पेशल फरमाइश पे शुद्ध और अशुद्ध वाक्य के क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, जो कि हिंदी में काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्ज़ाम में पूछे भी जा रहे हैं और बार बार रिपीट हो रहे हैं। हर शिफ्ट में शुद्ध अशुद्ध वाक्य के 5-6 क्वेश्चन तक पूछे जा रहे हैं। तो इसी को देखते हुए हम आपके सामने ये वीडियो लेकर आ रहे हैं, जो कि आपको एग्ज़ाम में निश्चय ही फ़ायदा देगा और आपको मज़ा भी आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। इवन आप अभी लाइक कर सकते हैं, क्योंकि आगे आपको हर क्वेश्चन का आंसर करते चलना है। साथ ही साथ मैं आपको सभी क्वेश्चन का क्या सही होगा, यानी कि वहाँ पे क्या, मैं सिर्फ आंसर नहीं बताऊँगा, मैं उसको थोड़ा सा डिटेल भी कर दूंगा कि वो उसका आंसर क्यों है। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। टॉप 30+ हिंदी क्वेश्चंस। तो यहाँ पर सबसे पहले है कि गुणी मनुष्य कहता है कि मैं विविध प्रकार के दुखों को सहन करके भी दुखी नहीं हूँ, क्या हो जाएगा और क्यों हो जाएगा? ये दोनों आप फटाफट आंसर करें कि क्या होगा आंसर और क्यों होगा आंसर, ये आप कमेंट करके जल्दी जल्दी बताते चलें। समय थोड़ा कम दूंगा मैं आपको, ताकि कम समय में 30+ क्वेश्चन फटाफट हो जाए। तो यहाँ पर जो हम सही आंसर की बात करें, तो ऑप्शन नंबर ए में त्रुटि है। क्या है? तो गुणी मनुष्य ऐसी बातें नहीं करते हैं, जो साहसी मनुष्य होते हैं वो करते हैं ऐसा। गुणी मनुष्य ऐसा बात नहीं करते, वो गुण वाली बात करेंगे। लेकिन अगर कोई चीज़ सहना हो, कोई चीज़ अगर हमें आगे बढ़ना हो, तो ज़बरदस्त वो जो फीलिंग आती है वो साहसी मनुष्य करते हैं, साहस दिखाना होता है, तो उस समय वो साहसी मनुष्य कहेंगे। जब वो कोई गुण वाली बात कहेंगे तब वो गुणी मनुष्य कहलाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे साहसी मनुष्य कहलाएंगे। आगे है, फूल में सुगंध होती है और तितली के पास सुंदर पंख, कोई त्रुटि नहीं है। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसमें क्या एरर लग रहा है आपको? क्या हो जाएगा एरर, फटाफट बताएं। क्या है एरर, किस पार्ट में एरर है और क्या है एरर, दोनों ही बताएं, क्योंकि ये दोनों ही अगर आप बताएंगे तो आपको एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगी। आप ए बी सी तुक्का मारने से कोई फायदा नहीं। क्या आपको लग रहा है आप ये कमेंट करें। अगर आपको समय लगता है तो वीडियो पॉज कर ले, जरूरी नहीं है कि लाइव वीडियो में ही आप कमेंट करें। आप बाद में 2A 2B 2C करके उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे फूल नहीं होगा फल होगा, या फिर दो होता नहीं होगा होती होगा, इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन आप वो ढूंढने का प्रयास करें कि क्या एरर आपके पास पहुंच रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर सी में एरर है और यहाँ पे पास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पास का अर्थ होता है कि कोई भी चीज़ जो आपके शरीर से अलग हो। जैसे मैं आपको कहूं कि आप अपने हाथ को पास लिए चलते हो, तो वो गलत हो जाएगा। आपके पास आपके हाथ हैं, यानी कि हाथ के साथ ही आप चलते हो, ठीक है? वहां पे हम पास नहीं लगाते, या सिर के पास, सिर को पास लेके चलते हो, तो सिर तो यार पास ही रहेगा, वो अलग नहीं हो सकता ना। लेकिन वही अगर हम कोई थैला ले जा रहे हैं, तो वो थैले को पास में लेके मैं जा रहा हूँ, या फिर कोई बच्चा है तो उसे पास में लेके जा रहा हूँ। तो पंख जो है वो तितली का ही शरीर का हिस्सा है, इसीलिए वो पास नहीं, वो उसका हिस्सा ही रहेगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे, कि अध्यापक ने आज हमारे को नया पाठ पढ़ाया। इसमें क्या एरर आपको लग रहा है? अध्यापक ने आज हमारे को नया पाठ पढ़ाया, क्या एरर लग रहा है आपको इसमें, फटाफट बताएं। अध्यापक ने आज हमारे को नया पाठ पढ़ाया, क्या एरर आपको लग रहा है? तो यहाँ पर जो एरर है ऑप्शन नंबर बी में है, यहाँ पे हमारे को नहीं होगा, यहाँ पर होगा हमें। हमें हमारे को कोई एक सफिशियंट अच्छा सा वर्ड नहीं है जो हिंदी में हम यूज करते हैं, यहाँ पर हमें होगा, वर्ड संबंधी प्रॉब्लम है यहाँ पे। नेक्स्ट है, बुरा से बुरा आदमी भी सम्मान चाहता है, बुरा से बुरा आदमी भी सम्मान चाहता है, तो यहाँ पे क्या होगा एरर, क्या लग रहा है आपको, फटाक से बताएं क्या होगा एरर यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर हम एरर देखें तो ऑप्शन नंबर ए में एरर है, और क्या है एरर, तो देखिए यहाँ पे होगा बुरे से बुरा, यानी कि पहला वाला जो बुरा है उसके जगह पे बुरे होगा। हमने बहुत बार अपने वर्ड्स में यूज करते हैं, अच्छे से अच्छा इंसान भी ऐसा काम नहीं कर सकता है हम बोलते हैं, या फिर बुरे से बुरा इंसान भी ऐसा काम नहीं करता, तो पहले बुरे आता है फिर बुरा आता है, ठीक है? तो यानी कि पहले बुरे हम इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि शुरू में हम प्लूरल नाउन लेते हैं, बहुवचन लेते हैं, फिर सिंगुलर नाउन यानी कि एक वचन लेते हैं, तो यहाँ पर भी वही काम चलेगा। आगे देखते हैं, जिस प्रकार आभूषण के द्वारा शरीर की शोभा बढ़ जाती है, उसी बढ़ जाता है, उसी प्रकार से भाषा में, उसी प्रकार अलंकारों से भाषा में लालित्य आ जाता है। इसमें क्या एरर आपको लग रहा है, क्या है एरर, जल्दी से बताएं। किस पार्ट में एरर है,
क्या है एरर, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर हम एरर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी में एरर है, और यहाँ पे जाती है होगा ना कि जाता है। मैंने अब जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे मुंह से अपने आप जाती आ गया था, क्यों? क्योंकि वो एक फिट इसका टोन है कि शरीर की शोभा, जो शरीर को मैंने आपको क्या बताया था कि शरीर के हर पार्ट जो होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं, क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। तो स्त्रीलिंग के साथ हम जाति का प्रयोग करेंगे ना कि जाता का, ठीक है। नेक्स्ट है, राम सीता राम की आज्ञाकारी पत्नी थी, सीता राम की आज्ञाकारी पत्नी थी, इसका इसमें क्या एरर आपको फील हो रहा है, क्या होगा? ए बी सी या फिर कोई त्रुटि नहीं, डी सीता राम की आज्ञाकारी पत्नी थी। तो अगर आप सभी लोग टिक कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, या फिर आप सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, तो आप निश्चय ही गलत हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा, और आज्ञाकारी ना होके आज्ञाकारिणी हो जाएगा, आज्ञाकारिणी, आज्ञाकारिणी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा आज्ञाकारिणी? क्योंकि यहाँ पे सीता के लिए बात आ रही है, सीता फीमेल है, और फीमेल के लिए हम फीमेल वाला वर्ड यूज करेंगे, आज्ञाकारी जो है वो मेल वर्ड है। चलिए आगे देखते हैं। व्यक्ति के हर प्रकार के कष्टों को, व्यक्ति के हर प्रकार के कष्टों को वह पल भर में दूर कर देता है, दूर करती है। ऑप्शन नंबर डी, कोई त्रुटि नहीं। क्या होगा इसमें एरर, क्या कौन सा पार्ट में एरर है और क्या एरर है, ये आप बताएं। तो यहां पर अगर हम एरर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए में है। यहां पर भी देखें तो ये भी, यहां भी आप दो तरह से एरर कर सकते हैं, या तो आप हर प्रकार को हटा के सभी कर दें, हर प्रकार के कष्टों को हटा के यहां पे आप कर दें सभी कष्टों को, या फिर आप कष्टों को हटा के कष्ट कर दें, कष्टों को हटा के कष्ट कर दें, तो आप इसे सही कर सकते हैं। दोनों ही तरह से आप इसे ठीक कर सकते हैं, क्योंकि हर प्रकार जो है इसके बाद सिंगुलर नाउन आता है, यानी कि एक वचन आता है, और अगर सभी लगाएंगे तो उसके बाद बहुवचन आता है। तो जैसे भी चाहे आप ठीक कर सकते हैं, लेकिन हमें तो ठीक करना नहीं है, हमें ढूंढना है इसमें गलत आंसर, तो हम गलत आंसर ढूंढ चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आपको शुद्ध भाग का चयन करना है, चार एक ही प्रकार से लिखे हुए शब्द हैं, उसमें से कौन सा शुद्ध है कौन सा अशुद्ध है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन पढ़ें, कमेंट करें कि क्या है सही, इसमें ए बी सी डी में ही आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैं गाने का अभ्यास करता हूँ, मैं गाने का अभ्यास करता हूँ। नेक्स्ट है, यहाँ पे फिर से आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो क्या कौन सा यहाँ पे शुद्ध वाक्य हो जाएगा ये आप बताएं। जल्दी जल्दी पढ़ें और जल्दी से बताएं कि क्या शुद्ध है क्या अशुद्ध है, ए बी सी डी में क्या शुद्ध है, एक शुद्ध है बाकी सब अशुद्ध है, तो शुद्ध वाला आपको चुनना है, कौन सा है शुद्ध वाक्य। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है ये शुद्ध है, वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। यहाँ पे एक मुहावरा आपके सामने आ गया है, कोई बात नहीं, हम मुहावरा भी कर लेते हैं, जब मुहावरा आ गया है तो मुहावरा भी कर लेते हैं। अंगूठी का नग होना, अंगूठी का नग होना का क्या अर्थ हो जाएगा, अंगूठी का नग होना का क्या अर्थ हो जाएगा, जल्दी से बताएं, अंगूठी का नग होना का क्या अर्थ हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा अनुरूप जोरा, अनुरूप जोरा। चलिए देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन, कि अपराधी और निरपराधी का अंतर करना बहुत कठिन है, अपराधी और निरपराधी का अंतर करना बहुत कठिन है। अच्छा ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जल्दी से आप कमेंट करके बताएं कि क्या होगा इसका सही आंसर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो क्या होगा इसका सही आंसर ये फटाक से आप बताएं, क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर। तो यहां पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहां पर निरपराधी ना होके निरपराध होगा, निरपराध, अपराधी और निरपराध का अंतर करना बहुत कठिन है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि दिवाली पर कुछ लोग चमचमाती चांदी के बर्तन खरीदने का लोभ संवरण ना कर सके, और डी क्या होगा इसमें, अलग क्या होगा इसमें भिन्न, ये आपको बताना है, वाक्य अशुद्ध भाग का चयन करना है। तो यहां पर जो है सही हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो
चांदी के, यहाँ पे हम इसे इस तरह से लिखेंगे, चांदी के चमचमाते बर्तन, चांदी के चमचमाते बर्तन, ती भी नहीं, चमचमाते, ऑप्शन नंबर बी में एरर है। कुछ लोग चमचमाती, तो लोग नहीं चमचमा रहे हैं, चमचमा रहा है चांदी, तो चमचमाना जो है वो चांदी के बाद आएगा, इसीलिए हम इसे आगे करेंगे और चमचमाती नहीं चमचमाते होगा, चमचमाते। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे फिर से आपको वाक्य की शुद्धि ढूंढनी है। यहाँ पे तीन चार वाक्य दिए हुए हैं, एक ही प्रकार, एक ही शब्द को चार चार बार लिखा गया है। जल्दी से बताएं कौन सा भाग शुद्ध है, कौन सा भाग शुद्ध है, जल्दी जल्दी बताएं। तो यहाँ पर जो है वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, बाकी दोनों इनकरेक्ट हैं। नेताओं का हित इनमें इसमें है कि लोग आपस में लड़ते रहें। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रत्येक देशवासियों को देश की सेवा में तन मन धन अर्पण करना चाहिए, तो कोई त्रुटि नहीं इसमें। अब क्या आपको एरर लग रहा है या फिर कोई एरर नहीं लग रहा है, दोनों ही बताएं, क्या एरर है क्या एरर नहीं है, और है तो क्या है। तो यहाँ पर अगर हम सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए में एरर है, और इसे भी हम दो प्रकार से ठीक कर सकते हैं। या तो हम यहाँ प्रत्येक को हटा के कर दें सभी, प्रत्येक को हटा के कर दें सभी, या फिर देशवासियों को हटा के कर दें देशवासी, देशवासियों को हटा के कर दें देशवासी। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए देखते हैं आगे, अगला प्रश्न। आतंकवाद शायद एक दिशाहीन उद्देश्यहीन अंधेरा है जो विश्व शांति पर, विश्व शांति एवं प्रगति को निगल रहा है। अब इसमें एरर कहाँ पे दिख रहा है आपको, किस भाग में एरर दिख रहा है और क्या एरर दिख रहा है, जल्दी से बताएं। तो यहाँ पर सही एरर जो है वो है पार्ट ए में, यहाँ पे शायद नहीं होगा, शायद नहीं होगा, बाकी सब चीज़ें सही हैं, शायद को यहाँ से हटा देंगे, वाक्य करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर फिर से है, तुम कक्षा में आते हो तो तुम्हारी पुस्तक साथ क्यों नहीं लाते, क्या इसमें एरर हो जाएगा आपको, जल्दी से बताएं किस पार्ट में एरर है क्या एरर है, किस पार्ट में एरर है क्या एरर है। सिर्फ ए बी सी डी ना लिखें आप, साथ में क्या एरर है ये भी फटाक से, थोड़ा सा मेहनत लगेगा आपके उंगलियों को, चार पांच और शब्द टाइप करने हैं, वर्ड्स को, वर्ड्स भी नहीं जो अल्फाबेट्स हैं उसे टच करने होंगे, तो फटाक से कर दें, ज़्यादा समय नहीं लगता है इन सब में। व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हुए काफ़ी उंगलियां तेज़ हो चुकी हैं आप सभी की, तो इसमें भी आप तेज़ी से कमेंट कर ही सकते हो। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही है, तुम्हारी ना होके अपनी हो जाएगा, अपनी, यहाँ पे हम अपनी ही लिखते हैं, मैं अपनी, तुम अपनी, वे अपने, तो वो वहाँ पे हम करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे, अगला क्वेश्चन। मैं पटना गया तो उस समय मेरे पास केवल 20 रुपये मात्र थे, अब इसमें क्या त्रुटि आपको लग रही है। यहाँ पे पांच ऑप्शन दिए रखे हैं, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, पांच ऑप्शन है आपके पास, इसमें क्या एरर है, किस पार्ट में एरर है ये आप बताएं। तो यहाँ पर जो है मात्र सुपरफ्लुअस है, यानी कि वो बेकार वर्ड है, यहाँ पे बेकार जगह खाने के लिए आया है, मेरे पास केवल 20 रुपये थे, बीस केवल 20 रुपये थे, मात्र नहीं होगा। चलिए देखते हैं आगे, अगला क्वेश्चन। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। राम राज्य में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीती थी, राम राज्य में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीती थी, तो क्या होगा इसका। राम राज्य में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीती थी, यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पर जो है एरर आपको है पार्ट सी में, पार्ट सी में, पानी पीती थी नहीं, पानी पीते थे, क्यों, क्योंकि शेर है क्या मेल है, बकरी क्या है फीमेल है, और जब दोनों साथ में आता है तो हम ए का यूज करते हैं, खाते थे जाते थे, ठीक है, और पीते थे, तो पीती थी नहीं होगा। नेक्स्ट है, राजा दशरथ को चार पुत्र राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न पैदा हुए, क्या आपको इसमें एरर लग रहा है। राजा दशरथ को चार पुत्र राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न पैदा हुए, इसमें क्या एरर है,
क्या एरर लग रहा है आपको, जल्दी से बताएं किस पार्ट में एरर आपको फील हो रहा है। आप उस पार्ट को जल्दी से हाईलाइट कर दें कि आपको इस पार्ट में एरर लग रहा है और क्या एरर लग रहा है, ये भी आप जल्दी से बता दें। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पार्ट ए में एरर है और को नहीं होके के हो जाएगा, के राजा दशरथ के पुत्र पैदा हुए थे, राजा दशरथ को नहीं, को का अर्थ हो गया कि उन्हीं उन्होंने ही जन्म दिया था बच्चों को, लेकिन उनके बच्चे पैदा हुए, उनको नहीं बच्चा पैदा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आज भ्रष्टाचार हर क्षेत्र में शिष्टाचार के रूप में जाना जाता है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, आज भ्रष्टाचार हर क्षेत्र में शिष्टाचार के रूप में जाना जाता है, कोई त्रुटि नहीं है, क्या होगा यहाँ पे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में एरर है, जाना जाता नहीं है माना जाता है, जाना जाता नहीं है माना जाता है। ठीक है, शिष्टाचार के रूप में ही हम उसे मानते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि जब पृथ्वी पर पाप और अत्याचार बढ़ते हैं तब ईश्वर किसी न किसी महापुरुषों में धरती पर अवतार लेता है, क्या हो जाएगा सही आंसर, जल्दी से आप बताएं। जल्दी जल्दी कमेंट करें दोस्तों, क्या हो जाएगा एरर। तो यहां पर पार्ट बी में एरर है, किसमें एरर है, पार्ट बी में, पुरुषों में नहीं महापुरुषों के रूप में, महापुरुषों के रूप में लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन। जीवन पथ पर हमें सतत रूप से चलते रहना चाहिए, जीवन पथ पर हमें सतत रूप से चलते रहना चाहिए। ठीक है, क्या होगा अब यहाँ पे एरर, जीवन पथ पर हमें सतत रूप से चलते रहना चाहिए, यहाँ पे क्या एरर आपको लग रहा है। तो यहाँ पर जो है वो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे सतत रूप से नहीं, सतत अगर हम सिर्फ कर देते हैं तो ही चल जाएगा, सतत रूप से, सतत का मतलब होता है लगातार या सर्वदा हमेशा, तो सतत रूप से नहीं लगातार या फिर हम सतत चलते रहना, यानी कि हमेशा चलते रहना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। स्त्री का हृदय गुलाब की पंखड़ियों की तरह अत्यंत कोमल एवं संवेदनशील होता है, अब क्या हो जाएगा इसमें, त्रुटि किस पार्ट में है ये आप बताएंगे, जल्दी जल्दी बताएं दोस्तों। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे संवेदनशील जो है एक वर्ड यहाँ पे यूज नहीं होगा, वहाँ पे यूज होगा भावुक, भावुक होता है, संवेदनशील वर्ड नहीं होता है, भावुक एक सही शब्द यहाँ पे होगा। संवेदनशील यानी कि सेंसिटिव, सेंसिटिव आपका कोई पार्ट होता है शरीर का, जैसे हमारे दांत सेंसिटिव हो जाते हैं, ठीक है, ठंडा खाओ गर्म खाओ वो आपको लगेगा, कोई बॉडी का कोई पार्ट सेंसिटिव हो जाता है, जब जल जाता है तो उसे जरा सा भी हवा भी लगता है तो वो दर्द हो जाता है। तो यहाँ पे संवेदनशील यहाँ पे नहीं होके वो क्या हो जाएगा, भावुक हो जाएगा, किसी भी भाव, क्योंकि जो हृदय है वो किसी भाव के कारण भावुक, वो भाव को पहचानता है, ना कि वो हवा पानी किसी को पहचानेगा, इसीलिए भाव से भावुक बना गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आज सुबह अपने घर गया था किंतु तुम घर पर नहीं मिले, क्या हो जाएगा इसका आंसर, मैं आज सुबह आपके घर गया था पर किंतु तुम घर पर नहीं मिले, तो यहां पर जो है सही आंसर हो जाएगा पार्ट सी में एरर। यहां पे देखिए ऊपर में आप का यूज किया गया है तो इसीलिए हम नीचे भी आप का ही यूज करेंगे, यानी कि यहां पे आप लगा देंगे, तुम की जगह आप लगा देंगे, मैं आज आपके घर गया था किंतु आप घर पर नहीं मिले। बहुत से लोग यहाँ बोलेंगे यहाँ पर मैं तुम्हारे घर गया था कर सकता है, लेकिन देखिए हिंदी जो है ये हमेशा रिस्पेक्ट देना सिखाती है, हिंदी रिस्पेक्ट देना, तो इसीलिए जब आप कभी पढ़ेंगे किताबें, जब आप बचपन की कभी किताबें पढ़ना तो वहाँ पर जो है वो माता पिता भी अपने बच्चों से आप कह के ही बात करते हैं, जब हम मॉरल साइंस की किताबें पढ़ते थे तो वहाँ पे ये चीज़ सिखाया जाता था, तो ये सब चीज़ आपको ध्यान देनी चाहिए। आगे है, प्रत्येक देशवासी को भिन्नता में एकीकरण करने की शक्ति को उजागर करने वाले तत्व की पहचान करनी चाहिए, अब यहाँ पे क्या आपको एरर लग रहा है जल्दी से बताएं।
प्रत्येक देशवासी को भिन्नता में एकीकरण करने की शक्ति को उजागर करने वाले तत्वों की पहचान करनी चाहिए। तो इसमें जो आपको एरर है, पार्ट बी में एरर है, पार्ट बी में एरर है। यहाँ पे एकीकरण नहीं होगा, यहाँ पे एकीकरण नहीं होगा, एकता होगा। क्या होगा? एकता। एकता क्या हो जाएगा? प्रत्येक देशवासी को विभिन्नता में एकता एकता करने की शक्ति को उजागर करने वाले तत्व। यहाँ पे एक एक करने की शक्ति, विभिन्नता में एकता करने की शक्ति, यहाँ पे एकीकरण नहीं होगा, ठीक है, वहाँ पे एकता हो जाएगा। आगे देखते हैं। अमित ने, रेखा ने अमित को आवाज़ लगाकर कहा कि राहुल का दूध रसोई में गैस पर रखा है। क्या हो जाएगा? अब इसमें क्या एरर हो जाएगा? रेखा ने अमित को आवाज़ लगाकर कहा कि राहुल का दूध रसोई में गैस के ऊपर रखा है। पार्ट बी में यहाँ पे एरर है। क्या एरर है? तो राहुल का दूध यहाँ पे नहीं होगा, का नहीं होगा, के लिए होगा। के लिए क्यों होगा ऐसा? क्योंकि राहुल का यानी कि वो दूध राहुल का है, तो राहुल तो दूध नहीं देगा, कोई गाय भैंस दूध देता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, राहुल के लिए दूध गैस में, रसोई में गैस के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आपको शुद्ध भाग का चयन करना है, तो कौन सा शुद्ध भाग है फटाक से आप बता दें। मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ, ऑप्शन आपको ही पढ़ना है। तो यहाँ पर पार्ट डी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, पिछला जो है ये पास्ट को बताता है, इसीलिए था यूज होगा, बाकी किसी में यहाँ पे था नहीं लगा हुआ, इसीलिए इजी क्वेश्चन था। आगे देखते हैं। जिस व्यक्ति की आत्मा जितनी विशाल होती है वह उतना ही बड़ा महापुरुष है। अब इसमें क्या आपको एरर लग रहा है, जल्दी से बताएं। तो यहाँ पर जो एरर है वो पार्ट सी में हो जाएगा, यहाँ पे बड़ा वर्ड का यूज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि महा जो यहाँ पे पुरुष के आगे जो महा लग गया है, तो यही बड़प्पन यहाँ पे दिखा रहा है, तो बड़ा नहीं होगा, वह उतना ही महापुरुष है। जिस व्यक्ति की आत्मा जितनी विशाल है वह उतना ही महापुरुष है, यानी कि हृदय की विशालता से महापुरुष को बड़ा माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन। राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा की भीख मांगी। इसमें क्या एरर है? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी में एरर है। क्या है यहाँ पर डी में एरर? तो क्षमा की भीख नहीं मांगते हैं हम, क्षमा मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं। तो सिर्फ यहाँ पे मांगी वर्ड होगा, की भीख अलग हो जाएगा, की भीख गलत हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 30th नंबर क्वेश्चन। बड़ों की बातों को आदर से सुनना चाहिए, बड़ों की बातों को आदर से सुनना चाहिए। क्या इसमें एरर है? किस पार्ट में एरर है, जल्दी से बताएं। तो यहाँ पर जो हमारा एरर है पार्ट बी में, आदर से नहीं, आदर पूर्वक, आदर पूर्वक सुनना चाहिए। आदर से ना सुन के हम आदर पूर्वक सुनते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना है। मीठे वचन बोलना उत्तम गुण है, मीठे वचन बोलना उत्तम गुण है। क्या एरर है इसमें? तो ये जो पार्ट है, ये जो है, ये एरर फ्री है, ये एरर फ्री है, यानी कि कोई भी एरर इसमें नहीं है, यानी कि डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 32। राम के धनुष भंग करते ही दूसरे राजाओं के वक्ष पर सांप लौटने लगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा सही आंसर, जल्दी से बताएं दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, जल्दी जल्दी बताएं क्या होगा और क्यों होगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वक्ष पे कभी सांप नहीं लौटता है, कलेजे पर सांप लौटता है, कलेजे पर सांप लौटता है। ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है जलन होना, ईर्ष्या होना। तो ऑप्शन नंबर सी, वक्ष की जगह पे कलेजा हम फिट कर देंगे, वक्ष की जगह पे कलेजा फिट कर देंगे, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो
इस वीडियो में इतना ही। 32 क्वेश्चन थे, आपके कितने सही हुए वो आप हमें ज़रूर बताएं। आपने 32 में कितने सही किए हैं ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, मुझे तो उम्मीद है आपने कर दिया होगा अभी तक, लेकिन अगर नहीं किया है तो अब कर दें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें तुरंत के तुरंत सब्सक्राइब, और उसके बाद ये बेल वाली घंटी को दबा दें, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें। साथ साथ कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, परेशानी है तो आप कमेंट करके हमसे बात कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए लेता हूँ आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।